हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाही पनीर की शॉर्टकट रेसिपी फॉलो करने वाले हैं और ये क्विकली हम बनाने वाले हैं इसे। ये हमने 150 ग्राम पनीर ले लिया है, ये कोरिएंडर लीफ, ये 6 से 7 काजू को सोक करके ग्राइंड कर लिया और उसका पेस्ट बना लिया है, और ये एक छोटा टमाटर लेके उसको ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया है। इसमें हमने एक अनियन लिया है और 2 लहसुन के क्लोव्स है और 1/2 इंच जिंजर है, तो अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 ग्रीन चिली को भी मैंने पीस लिया है, तो ये का पेस्ट है। अब मसालों में हमें क्या क्या चाहिए, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर और कसूरी मेथी, और ये लौंग है। उसके बाद नमक, मिल्क, मैं यहाँ मिल्क यूज कर रही हूँ, आप लाई और क्रीम भी यूज कर सकते हो, केचप, और ये ऑयल है, मैं आज ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हो। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें अब हम थोड़ा सा तेल डालते हैं। ऑलिव ऑयल को बहुत ज्यादा हीट पे हम गर्म नहीं करते हैं, ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम जीरा डालते हैं, उसके बाद हल्दी, रेड चिली पाउडर, ये हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसको हाई फ्लेम में पकने देंगे। हमारा अनियन हो रहा है एक साइड में, और दूसरे साइड में हम थोड़ा सा तेल डालकर अपने पनीर को सेमी फ्राई कर लेते हैं। कई लोग डीप फ्राई भी करते हैं, तो आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो या बिना फ्राई किए भी यूज कर सकते हो, दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू ईट। तो मैं इसे हल्के से तेल में सेमी फ्राई करूंगी, और जब दोनों साइड से रोस्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं निकाल कर बाद में उसे यूज कर लूंगी। और नॉन स्टिक में अगर हम सेमी फ्राई करते हैं तो ज्यादा ऑयल भी नहीं यूज होता है, देखने में इसका टेक्सचर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा आता है। हमारा हो गया है, अब इसमें हम काजू का पेस्ट डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते रहेंगे। अब हम अपना पनीर चेक कर लेते हैं, एक साइड में अगर वो थोड़ा सा रेडिश हो गया है तो हम उसे टर्न कर देते हैं। हल्का हल्का ये हो गया है, तो मैं इसे ऐसे ऐसे टर्न कर देती हूँ। अब ये लहसुन हो गया है, तो उसके बाद हम ये टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। आप देख सकते हैं कि पनीर रेडी हो गया है, तो इसलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब ये हमारा रेडी हो गया है और इसका टेक्सचर भी लग रहा है कि हो चुका है, और थोड़ा थोड़ा ऑयल भी छोड़ रहा है। केचप डाल दिया है और इसको मिला लेते हैं। ये हो गया है और अब हम 1/2 कप इसमें मिल्क डालने वाले हैं। अगर आप मलाई यूज करते हो तो थोड़ी सी मलाई अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और इसे अब हम पका लेते हैं। हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है, अब इसमें हम गरम मसाला डाल लेते हैं। ब्लैक पेपर मैं क्रश करके डाल रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है। में हम सॉल्ट डाल लेते हैं, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं कुछ लोग कम खाते हैं, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट डाल सकते हो। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसमें हम पानी डाल लेते हैं ग्रेवी के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितना थिक आपको खाना है, जितनी थिक ग्रेवी रखनी है वैसा ही पानी डालिए। एक साइड में हम अभी उस जो लौंग रखा था उसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं और उसे क्रश कर लेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा तो ऊपर से हम उसे स्प्रिंकल करेंगे। ये हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है और काफी शाइन कर रही है, आप देख सकते हो कितना अच्छा टेक्सचर आया है इसका। अब हम इसमें पनीर डाल लेते हैं, जो पनीर हमने रोस्ट किया था वो पनीर हम डाल लेते हैं। इसके बाद ये लौंग जो हमने अभी रोस्ट किया है उसको क्रश करके डाला है। लौंग को ऐसे रोस्ट करने के बाद क्रश करके ऊपर से डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके डाल लेते हैं। कसूरी मेथी को जब हाथ से क्रश करके डालते हैं तो उसका जो फ्लेवर है वो इनहेंस होता है। अब इसे 1/2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, और फिर ये हमारा शाही पनीर रेडी हो जाएगा। इसे हम कोरिएंडर लीफ से गार्निश करेंगे। ये हमारी शाही पनीर रेडी हो गई है,
और हम इसे निकाल कर इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये काफी देखने में भी अच्छी लग रही है और आई एम श्योर कि आप जिसको भी खिलाओगे, खुद खाओगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अब हम कोरिएंडर लीफ से गार्निश कर देते हैं और ये हमारी शाही पनीर की क्विक रेसिपी रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।